खबर जरा कुवैत की आपको आसिफ रशीद बताएंगे और उसके फौरन बाद आप फोन लाइन लेना शुरू करेंगे। चलिए खबर जरा कुवैत से है और एहतजाज जहां पर हिंदुस्तान के अंदर हो रहे थे, मुसलसल एहतजाज किए जा रहे थे और इस पर अब मुख्तलिफ मीडिया रिपोर्ट्स आ रही हैं और अरब टाइम्स की भी एक रिपोर्ट है जो अखबार है कुवैत का, जिसमें जो पैगम्बर इस्लाम के बारे में बयानात के खिलाफ एहतजाज हुआ और उस एहतजाज में जिन लोगों ने जो बाहर से लोग गए थे उनके खिलाफ कार्रवाई होगी और मुख्तलिफ मीडिया रिपोर्ट्स ये बताती हैं कि उन तारकिन वतन को मुल्क बदर करने का फैसला कर लिया गया है कुवैत हुकूमत की तरफ से जो इस एहतजाज का हिस्सा थे और बीजेपी के मुअत्तल लीडर नुपुर शर्मा के खिलाफ यह एहतजाज था। लेकिन जो रिपोर्ट्स उसके बाद आई कि तारकिन वतन को एक ना सिर्फ मुल्क बदर किया जाएगा बल्कि जो छुट्टी पर जाएंगे उन्हें वापसी की इजाजत नहीं दी जाएगी, उनके लिए बाकायदा एक्शन होगा और गिरफ्तारियां शुरू कर दी गई हैं। इस सिलसिले में बहुत सारे लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है, इस तरह की इतलात कुवैत से है। यह फैसला तब लिया गया है जब मुजाहिरीन ने मुल्क के कवानीन और जवाबित की खिलाफ वर्जी की जो हुकूमत वहां की मानती और तारकिन वतन जिनने धरने पर बैठकर कार्रवाई की मजीद कार्रवाई की मांग की थी और एहतजाज के दौरान ट्रैफिक को रोका गया था, कुछ गाड़ियां नजर आती हुई थी, तोड़फोड़ की गई थी और उस खुसूसन इलाके के अंदर जहां पर बंदिशें एहतजाज पर हैं और कुवैत ये मानता है कि वहां के कवानीन के मुताबिक जो बाहर से गए लोग हैं कामकाज के लिए लोग जाते हैं वो वहां के कवानीन के मुताबिक ना तो एहतजाज कर सकते हैं ना धरने पर बैठ सकते हैं और किसी भी तरीके से अगर ऐसा इकदाम वो करते हैं तो वहां के सरकारी कवानीन के वो खिलाफ है जिसके पादाश में अब कार्रवाई हुई है। बहुत सारे लोगों की गिरफ्तारियों का अमल शुरू कर दिया गया है और पुलिस हुकाम को कह दिया गया है कि वो उन सभी लोगों को मुल्क बदर करे और इतलात ये हैं कि इनमें भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश और आसपास के मालिक के सबसे ज्यादा लोग हैं जो इस एहतजाज का हिस्सा बने थे। लेकिन अब एहतजाज ही नहीं बल्कि सवाल ट्विटर पर भी है, जो जिस तरीके से ट्विटर पर ट्वीट किए गए थे और नाजेबा अल्फाज का इस्तेमाल भारत के लिए किया गया था जिस पर बरहमी का इजहार भी किया गया था, लेकिन फॉरेन ऑफिस जो कुवैत का है उन्होंने साफ कर दिया है कि जिन लोगों ने भी ट्वीट किया उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी और हुकूमती इदारे इस पूरे मामले पर जो है वो मुतहरिक भी नज़र आ रहे हैं।